यूपी में पहले चरण का मतदान हो गया है। बीजेपी समेत दूसरे दल अब आगे की तैयारी में जुट गए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई है। योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट से विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर मानी जा रही है, लिहाजा दोनों दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। शाहजहांपुर में रैली करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश ने अपने राज्य में कब्रिस्तान बनवाए हैं, इसीलिए उन्हें वहीं से वोट लेना चाहिए। योगी ने कहा कि अखिलेश के राज्य में विकास के नाम पर कब्रिस्तान के बाउंड्री हुए हैं। सीएम ने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने क्या विकास कराया, तो उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। योगी ने कहा कि इसीलिए उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री से वोट मिलना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राज में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। सीएम ने कहा कि उपचार, फ्री राशन, वैक्सीन, मेडिकल कॉलेज और सुरक्षा बीजेपी की सरकार दे रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री का विकास करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये जातिवाद की बात करते हैं। इसके साथ ही योगी ने आरोप लगाया कि सपा के शासन में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। सीएम योगी ने इस दौरान मायावती पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार दूसरी सरकारों से दोगुनी रफ्तार से काम करती है। कोविड-19 के दौरान कहां थी भाई बहन की जोड़ी, क्या आप सबके बीच बहन जी मौजूद थी? प्रदेश की जनता के लिए सिर्फ बीजेपी ने काम किया। हालांकि इस बार सीएम योगी ने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी की कमजोर नस पर वार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कहा था कि ये चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। और एक बार फिर उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कब्रिस्तान की बात को सामने लाकर बड़ी चुनावी चाल चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।